जिस दिन धरती नहीं थी, पानी नहीं था, बनाया किसने, कैसे बनाया, कुम्हार हो, कुम्हार हो, माटी पानी हो, अचाक डंडा न हो तो बर्तन बन जाएगा। अच्छा, चाक डंडा हो, माटी पानी हो, चाक डंडा हो, कुम्हार हो और माटी पानी न हो तब बनेगा। अच्छा, माटी पानी भी हो, चाक डंडा भी हो, कुम्हार न हो तब बनेगा। कारण तीन है, उपादान कारण, निमित्त कारण और साधारण कारण। जब तीनों कारण लगता है तो कार्य प्रारंभ होता है। रेल का इंजन बना है उसमें कारण है, बिना कारण के रेल का इंजन नहीं बना। ये मोबाइल बना है इसके पीछे कारण है, अगर कारण नहीं होता तो कार्य रूप में मोबाइल नहीं बन जाता। ये माइक स्टैंड बना है इसके पीछे कारण है, अगर कारण नहीं होता तो ये नहीं बनता। हारमोनियम बना है उसके पीछे कारण है, कारण नहीं होता तो हारमोनियम नहीं बनता। हेलीकॉप्टर बना है, रॉकेट बना है, उसके पीछे कारण है। ये कपड़ा बना है इसके पीछे कारण है, ये शरीर बना है इसके पीछे कारण है। बिना कारण के कोई काम दुनिया में होने वाला नहीं है। तो साहेब कबीर पूछते हैं दुनिया के लोगों से कि तुम्हारा भगवान ये दुनिया जो बनाया वो किस कारण से कार्य रूप में बनाया, उसका कारण तो बताओ। ये दुनिया बना उसका कारण क्या है, किस कारण से दुनिया बना। हमारा शरीर बना है उसके कारण है क्या, धरती, आकाश, हवा, पानी, आग, पांच कारण से मेरा शरीर बन के तैयार हुआ माता पिता के संयोग। आई दुनिया किस कारण से बना, अगर भगवान है बनाया तो किस कारण से बनाया। बंधुओं, बड़ी समस्या है, खोज कीजिएगा तो प्याज के छिलते छिलते अंत में क्या मिलेगा, अंतिम स्थिति क्या है, क्या मिलेगा अंत में। ये दुनिया के लोग बात को, ये दुनिया अनादि है, ये किसी का बनाया हुआ नहीं है, जो बनता है वो बिगड़ जाता है। ये चश्मा बना है एक न एक दिन फूट जाएगा, ये माइक स्टैंड बना है एक न एक दिन टूट जाएगा, ये कपड़ा बना है एक न एक दिन फट जाएगा, ये शरीर बना है एक न एक दिन श्मशान जाएगा, ये पंडाल बना है कल उखड़ जाएगा, घर बना है एक दिन ढह जाएगा, जो बना वो बिगड़ेगा। तो ये दुनिया बना तो बनाने वाला इसकी आयु कितना रखा, कब बिगड़ेगा ये दुनिया, कोई आदमी बोलिए तो, ये दुनिया कब खत्म होगा। बना है अगर, अगर किसी ने बनाया है तो इसकी आयु होगी और आयु पर ही खत्म होगा। इसकी आयु कितनी है बोलिए तो, ये दुनिया कभी बना ही नहीं, किसी ने बनाया ही नहीं, इसकी कोई आयु नहीं, इसकी कोई आयु नहीं है। क्योंकि आदि का अंत होता है, आदि हुआ है तो अंत होगा, ये अनादि है इसका आदि नहीं है, अंत कभी होने वाला नहीं है। इस पर दिमाग मत कोई लड़ाइए और मत झगड़ा लड़ाई। अगर भगवान है बनाने वाला तो सबसे ज्यादा दुनिया में ईसाई है, 40% ईसाई है, चीन, जापान, लंका, बर्मा, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, सब ईसाई है, 40% है। हिंदू से धन में आगे है, जनसंख्या में आगे है और बुद्धि विवेक में आगे है। रेल का इंजन किसके ब्रेन से निकला था, हिंदू के ब्रेन से।
मुसलमान के ब्रेन से, सिख के ब्रेन से ईसाई जेम्स वाट कौन था? ईसाई। ईसाई के ब्रेन से कोरोना कौन भेज दिया? ईसाई के ब्रेन से कोरोना निकला। इतना ब्रेन का तेज है ईसाई, इतना धन में आगे है, इतना जनसंख्या में आगे है। उसका कहना है ईसा ने पूरे दुनिया को बनाया और ईसा के द्वारा दिया गया बाइबिल मेरा ग्रंथ है। जो ईसा को नहीं मानेगा और जो बाइबिल को नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा। दूसरे हैं इस्लाम 30%, चाहे सऊदी अरब हो, ईरान हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अल्जीरिया, साइबेरिया, तुर्की, पूरे विश्व में 60 देश मुसलमानों का है। उसका कहना है अल्लाह ने पूरे दुनिया को बनाया और अल्लाह का दिया हुआ ये कुरान, जब्बूर, इंजिल, तोरेत, हदीस मेरा ग्रंथ है। जो अल्लाह को नहीं मानेगा, जो कुरान को नहीं मानेगा, वो दोजख में जाएगा। उसके बाद है हिंदू 25%, इनका कहना है ब्रह्मा ने पूरे दुनिया को बनाया और ब्रह्मा के दिया हुआ 4 ग्रंथ है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जो ब्रह्मा को नहीं मानेगा और जो वेद को नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा। 5% सिख है, इनका कहना है गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह ने इस दुनिया को बनाया और उसके द्वारा दिया गया गुरु ग्रंथ मेरा ग्रंथ है। जो नानक को नहीं मानेगा, जो गुरु गोविंद सिंह को नहीं मानेगा, वो नरक में जाएगा। अब बोलिए तो किसका भगवान ही दुनिया बनाया, किसका पूजा किया जाए? अब भगवान अगर ही दुनिया बनाया तो भगवान पहले मुर्गी बनाया कि पहले अंडा, क्या बनाया था भगवान? पहले क्या बनाया? पहले वेद बनाया कि कुरान बनाया? अब भगवान कितना पढ़ा लिखा था, कौन यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ा? 4 विषय से मुसलमान के ग्रंथ उर्दू में लिखा, हिंदू के ग्रंथ संस्कृत में लिखा, ईसाई के ग्रंथ अंग्रेजी में लिखा और सिख के ग्रंथ पंजाबी भाषा में। 4 विषय से एमए किया था भगवान, PhD। सब कहता है हमारा ग्रंथ आसमानी है। एक मुसलमान हमसे कहा कि कुरान हमारे आसमानी ग्रंथ है, अल्लाह ने ऊपर से गिराया। हम कि तोरे अल्लाह ऊपर में प्रेस बैठाया है, छाप छाप के गिराता है। कौन बात सच है? किसका भगवान ही दुनिया बनाया? और साहब कबीर पूछते हैं, ऐ दुनिया के लोगों, तुम्हारा भगवान ही दुनिया क्यों बनाया? क्या जरूरी लगा था उसको बनाने का? है इसका जवाब, भगवान ही दुनिया क्यों बनाया? अगर भगवान दुनिया बनाया तो सुखिया दुनिया बनाया कि दुखिया? यहाँ के लोग सुखिया हैं कि दुखिया? क्या है दुखिया दुनिया? भगवान क्यों बनाया? हम लोग भगवान के क्या बैगन तोड़ लिए थे? क्यों दुखिया दुनिया बना के यहाँ भेजा हमको ये दुखिया दुनिया में? आ जब हम चले आए, गर्दनिया दे के हमको उतार दिया इस दुनिया में, भगवान पीछे से ग्रंथ क्यों बना के भेजा कि बेटा पढ़ पढ़ के पार कर जाओ? अगर ग्रंथे भेजना था तो गर्दनिया दे के हमको गिराया क्यों पहले? कोई ऐसा आदमी हो जो एक लड़का को तालाब में फेंक दे और लड़का जब चिल्लाए तो उसको एक सहारा दे, बेटा इसको पकड़ के निकल जा, वो आदमी कैसा होगा? भले आदमी होगा कि हरामी होगा? भगवान क्या है? क्यों बनाया ये दुनिया दुखिया दुनिया? अग्रंथ पीछे से बना के क्यों भेजा हमारे लिए कि बेटा पढ़ पढ़ के पार कर जाओ?
ये सारा झंझट, इस सारा झंझट लगाने वाला कौन है मालूम है? एक नंबर में पंडित जी, और दूसरे नंबर में मौलवी जी, और तीसरे नंबर में पादरी जी, और चौथे नंबर में भक्ता जी। ये चार गो मिल के सारा झंझट पसार के खड़ा किया है। यही चारों का धंधा है। कबीर साहब कहते कहते चले गए, इतना उजड़ा दिया है, इतना समस्या लोग खड़ा किया है। कबीर साहब अंत में कहते कहते थक गए, तो अंत में कहे संतो जग को समझा। इस जगत को कौन समझाए?